राम राम भाई सबने। आज मैं ओरियो बिस्किट से बहुत अच्छी मिठाई बनाऊंगी भाई, आप भी रक्षाबंधन पर ट्राई ज़रूर करियो और बच्चा ने दया बहुत पसंद आओगी। ओरियो बिस्किट ले लिए थे मैंने, कुछ बिस्किट आ की तंदर की क्रीम निकाल दी थी और कुछ बिस्किट ऐसे के ऐसे ले लिए थे मैंने, और मिक्सी में पीस के भाई वो पाउडर तैयार करना है हमने भाई, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल लिया था मैंने इसके अंदर, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए भाई एक चम्मच के लगभग मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल लिया था। उसके बाद इसका मतलब एक गाढ़ा सा जैसे आटा फोम होना वैसा ये तैयार करना है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, देखो ये इतना टाइट जो बैटर है वो मेरे द्वारा तैयार था। उसके बाद इसकी सेकेंड लेयर रेडी करेंगे। हम नारियल का बुरादा ले लिया था मैंने, आधी कटोरी खांड ले ली थी मैंने आधी कटोरी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने मिल्क पाउडर ले लिया था दो चम्मच के करीब। एक घूट दूध डालना है इसके अंदर, और यो सेकंड लेयर जो इसकी गैस थोड़ी देर चलानी है, यो दो तीन मिनट में एक गाढ़ा सा यो भी बैटर तैयार हो जाएगा। आटे टाइप पे यो करना है टाइट सा, ताकि जिसकी हम आराम से कटिंग भी कर सकें बर्फ़ी जमा के। उसके बाद भाई मैंने जब तक यो तैयार होया, एक बर्तन में पेपर बिछा कर चिकना हाथ लगा लिया था, कुछ स्टार थे मेरे पास बच्चा के वे मैंने इसमें डाल दिए थे। फिर जो ओरियो वाला बैटर था सबसे पहला था वो एक गोल करके मैंने इसके अंदर बिछा दिया था, लगा दिया था, और फिर जो मैंने सेकंड लेयर तैयार करी थी ना भाई मिल्क पाउडर की और नारियल के बुरादे की, इसके ऊपर वाला लेयर हम रखेंगे। टू लेयर वाली बर्फ़ी बहुत अच्छी बन जाएंगी और बच्चा ने भी पसंद आऊँगी। टेस्ट इसका बिल्कुल ये पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरियो बिस्कुट और नारियल के बुरादे से बनी हुई मिठाई है। इसको भी अच्छे से भाई प्रेस कर करके इसके ऊपर दबा देंगे, ताकि जो सेकंड लेयर है वो भी अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। जब ये सेट हो गई थी तो मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था, 10-15 मिनट छोड़नी है, ज़्यादा देर छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद भाई ये सेट हो गया था, इसको अच्छे से मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद भाई देखो, पहली बात तो शक्ल से कितनी अच्छी मिठाई लग रही है, लग भी नहीं रहा ये ओरियो बिस्किट की मिठाई लग रही है, ऐसे लग रही है जैसे चॉकलेट से बनी हुई मिठाई है हमारी, और टू लेयर की वैसे बनी है। उसके बाद देखो भाई कितनी सॉफ्ट मिठाई बन के हमारी रेडी थी, और बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने भोग लगा दिया था बच्चों को टेस्ट करने के लिए दी, तो उनको भी बहुत अच्छी पसंद आई, उसको पता ही नहीं चला कि ये ओरियो बिस्कुट से बनी हुई मिठाई है। तो इस तरीके से भई आप भी रक्षाबंधन पे या किसी फेस्टिवल पे ये मिठाई ट्राई ज़रूर करना, बहुत पसंद आएगी बच्चों को, और सिंपल 10 मिनट भी नहीं लगने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।